वेलकम टू लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ ASUS EVOBook 16X। देखो यार, ये लैपटॉप को मैं ऑलमोस्ट 5 मंथ से यूज कर रहा हूँ, तो सोचा लॉन्ग टर्म रिव्यू बना दिया जाए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है अंडर द बजट ऑफ 50,000। एंड इस वीडियो में हम तकनीकी बातचीत ना करते हुए एक्चुअल फीचर्स, प्रोस कॉन्स एंड जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है विद दिस लैपटॉप, वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ASUS का VIVOBook 16X 2 कलर्स में अवेलेबल है। 1 इज क्वाइट ब्लू, जो मैंने पहले रिव्यू किया था, एंड अभी है मेरे पास कूल सिल्वर कलर। आप Amazon के पेज में लैपटॉप को देख पाएंगे। 16 इंच का लैपटॉप है ASUS VIVOBook 16X। Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आता है, 6 कोर एंड 12 थ्रेड। 8GB DDR4 3200 MHz का RAM है, 512GB SSD है। एंड ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू चैनल पे प्रेजेंट है, वहां पर देख पाएंगे। मैंने बैक पैनल ओपन करके दिखाया था, RAM एंड SSD बोथ आर अपग्रेडेबल। AMD Ryzen इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, MS Office एंड Windows 11 होम एंड सिंगल लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रही कुछ स्पेसिफिकेशन, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस से चालू करूंगा। Ryzen 5 5600H कितना ज्यादा पावरफुल है, देखो यार, यहाँ पर 6 कोर एंड 12 थ्रेड है। एंड अगर मैं इंटेल से कंपेयर करूं, तो इसका परफॉर्मेंस इंटेल का i5 12450H प्रोसेसर के एकदम ही इक्विवेलेंट है। और ये 12 जन के U सीरीज, P सीरीज से तो वे बेटर परफॉर्म करता है, आप ग्राफ खुद ही देख पाएंगे। सो देख लेते हैं लैपटॉप का बनावट और सुंदरता। देखो यार, ASUS EVOBook 16X PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन जो सिल्वर कलर है ना, वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है इस कंपेयरिंग विद ब्लू कलर। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ये लैपटॉप US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, दैट मींस बिल्ड क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। टॉप नॉच हिंज है, मिनिमल सा फ्लेक्स है, एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी सुपर लगा ASUS EVOBook 16X का। ये लैपटॉप ओनली 1.80 किलोग्राम के साथ आता है, बट वन ड्रॉबैक इज दैट वन हैंड से ओपन नहीं होता है, यू हैव टू यूज योर टू हैंड्स टू ओपन दिस लैपटॉप। बट कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी थिन एंड लाइट लैपटॉप आते हैं 50 से 60 हजार के बीच, कोई भी लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होते। इनर पोर्शन भी आपको PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने मिलता है, यू कैन सी देयर, बट दिखने में काफी प्रोफेशनल लगता है सिल्वर कलर। दोस्तों, यहाँ पर फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, सो आप डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क करते हैं, एक्सेल में वर्क करते हैं, टैली में वर्क करते हैं, तो काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि डेडिकेटेड नंपैड भी मिल जाता है एंड एम्पल पाम रेस्ट एरिया देखने को मिलता है, जिससे आप एकदम इफिशियंटली वर्क कर पाएंगे। एंड सबसे अच्छा चीज ये लैपटॉप का वो है इसका ट्रैक पैड साइज। देखो भाई, बिल्कुल मैकबुक वाला फील, एंड मेरे को ट्रैक पैड काफी अच्छा लगा। एंड जितना बड़ा ट्रैक पैड का साइज रहता है, उतने इफिशियंटली हम वर्क कर पाते हैं इन लैपटॉप। और सिक्योरिटी में भी नो कॉम्प्रोमाइज, फिंगरप्रिंट रीडर देखने मिल जाता है इन द राइट पोर्शन ऑफ ट्रैक पैड। ASUS EVOBook 16X का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल थिंग, दैट इज इसका डिस्प्ले। 16 इंच का WXGA WE पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड WXGA इज बेसिकली फुल HD प्लस, एंड इसका रिजोल्यूशन रहता है 1920x1200। 300 nits का ब्राइटनेस दिया गया है, 45% NTSC। और मैंने आउटडोर में भी टेस्ट किया, 300 nits इज मोर देन इनफ, आप आउटडोर में भी वर्क कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल लाइफ थिंग्स, क्या ये डिस्प्ले अच्छा है कि नहीं। सो डिस्प्ले इज जस्ट डिसेंट एज वेल द प्राइस पॉइंट ऑफ, कोडिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन वाला टास्क करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटी ग्लेयर कोडिंग है, 300 nits का ब्राइटनेस है। बट द थिंग इज दैट ये 100% sRGB डिस्प्ले नहीं है, और यहां पर 100% sRGB डिस्प्ले इसलिए देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 50,000 के अंदर आप कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड का लैपटॉप देख लो, आपको 100% sRGB नहीं देखने को मिलेगा। एंड रिफ्रेश रेट भी डिसेंट है, दैट इज 60 हर्ट्ज। बहुत लोग को ये दिक्कत आ रहा था इसका स्पीकर का आउटपुट कम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप DTS सर्च कीजिए, DTS ऑडियो प्रोसेसिंग में जाके आप यहाँ पर मूवी मोड कर दीजिए, देन आप देखिएगा आउटपुट डेफिनेटली बढ़ जाएगा, एंड आपका एक्सपीरियंस भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। और कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना है, देन कैमरा इज ऑल्सो डिसेंट, 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया, एंड मजे की बात, प्राइवेसी सेटर एटलीस्ट दिया गया, एंड AI नॉइस कैंसलिंग भी सपोर्टेबल है। सो नो डाउट ASUS EVOBook 16X का कैमरा काफी ज्यादा शानदार है। एक नजर पोर्ट्स में मार लेते हैं, ये लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स है, बट वन ड्रॉबैक इज दैट जो टाइप सी पोर्ट है, उसमें सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही सपोर्टेबल है, नहीं आप टाइप सी चार्जिंग कर पाएंगे, ना डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। अगर डिस्प्ले आउटपुट लेना है, दैट मींस एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना है, देन HDMI के पोर्ट से आप 4K 30Hz तक मॉनिटर कनेक्ट कर पाएंगे। सो मुद्दे की बात, आप ये लैपटॉप में क्या क्या कर पाएंगे। सो फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग आराम से कर पाएंगे, लेकिन 4K एडिटिंग नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड GPU नहीं है। सो आई विल रिकमेंड टू गो विद द लैपटॉप विच हैव डेडिकेटेड GPU, लाइक Lenovo का IdeaPad Gaming 3 या ASUS का VIVOBook Pro 15। मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, वहां पर RTX 2050 का GPU दिया गया विद द 50W TGP, वहां पर आप बटर स्मूथ 4K एडिटिंग आराम से कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने AutoCAD वगैरह चला के देखा, AutoCAD भी एकदम मक्खन चला, कोई दिक्कत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल का। हाँ, लेकिन 3D वाला टास्क करोगे तो वहां दिक्कत आ सकता है, बट Android Studio काफी शानदार चला यार। मैंने यहाँ पर एमुलेटर वगैरह चला के देखा, कोई भी दिक्कत नहीं आया। एंड जिनको मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग करना है, देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द लैपटॉप विच है एटलीस्ट RTX 2050 GPU। और ये लैपटॉप आराम से कैजुअल गेमिंग करा देता है, यहाँ पर मैंने GTA 5 भी प्ले किया था,
40 से 45 FPS इजीली देखने को मिल रहा था इन द फुल HD रिजोल्यूशन। एंड वैलोरेंट वगैरह गेम प्ले करना है जो CPU इंटेंसिव गेम है तो आराम से आपको 100+ FPS देखने को मिलेगा इन ASUS ZeBook 16X। यहाँ पर 3 cell 50 watt hour का बैटरी दिया गया है एंड ये एच क्लास का CPU है तो यहाँ पर TDP ज्यादा रहता है तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे का इजिली बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। मेक श्योर दैट बैकलिट वगैरह टर्न ऑफ रहे एंड ब्राइटनेस 50% पर है, देन कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये लैपटॉप के 2 variant आता है, एक 8GB रैम के साथ जो 46,990 में अवेलेबल हो जाता है एंड एक 16GB रैम के साथ जो अराउंड 51,000 में अवेलेबल हो जाता है। एंड आप सेल पीरियड में लेंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार का एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन किए थे कि ASUS का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, तो ये लैपटॉप में आपको 1 year का ग्लोबल वारंटी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द 1 year ऑन साइट वारंटी। तो ASUS के सर्विस काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन मैं ऑफलाइन स्टोर भी जाता हूँ तो कोई भी शिकायत नहीं आता फ्रॉम द ASUS ब्रांड रिगार्डिंग द सर्विस। और कोई ब्रांड कब चलती है, जब उसका सेल्स एंड सर्विस दोनों अच्छा रहता है। खाली सेल्स बढ़ा के कोई भी ब्रांड सक्सेस नहीं होती, सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी ब्रांड। अब देखो यार, यही प्राइस पॉइंट में 2-3 लैपटॉप आते हैं। एक ASUS का ZeBook Pro 15, वहां पर Ryzen 5 5600H एंड RTX 2050 GPU देखने को मिलता है। बट द थिंग इज दैट वहां पर ऑनबोर्ड रैम दिया गया है तो आप वो लैपटॉप लेंगे तो 16GB रैम वेरिएंट ही प्रीफर करें इंस्टेड ऑफ 8GB रैम। और देखो यार, अगर आप दुर्ग जिला रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली विजिट A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला विलय। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवीज, ऑल इन वन PC एंड सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम ही रीजनेबल प्राइस में देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, डेफिनेटली कैन कॉन्टेक्ट देम। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल वर्डिक्ट, ये लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं। सो डेफिनेटली ये लैपटॉप के साथ जाइए एंड आपको Amazon ग्रेट इंडिया डे सेल या बिग बिलियन डे में आराम से 42,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग ऑल द कार्ड डिस्काउंट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अंडर द बजट ऑफ 50,000, नो डाउट, डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट। एंड ये लैपटॉप में कॉन्स एक दो ही है, एक टाइप सी चार्जिंग का है एंड एक 100% sRGB डिस्प्ले का, बाकी नो डाउट दिस लैपटॉप इज बेस्ट अंडर द बजट ऑफ 50,000। और भाई साहब, लोगों का ट्रस्ट देखो यार, 607 रेटिंग एंड 500 आंसर्ड क्वेश्चन। एंड रिव्यूज भी आप चेक करेंगे तो आपको ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू भी देखने को मिलेगा एंड जो नेगेटिव रिव्यू था ना वो डिफेक्टेड यूनिट का था। कई लोग को क्या होता है, डिफेक्टेड यूनिट मिल जाता है इसलिए लोग डिसअपॉइंट हुए थे, बाकी मेरे को ऐसा कोई भी नेगेटिव रिव्यू देखने को नहीं मिला इन Amazon। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।